बेटा जमाने में आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा, हमारे हाथों की लकीरों में होगा तो हमें चीज मिल जाएगी, कर्म करने से क्या। बेटा मैं आपसे कहता हूं कि करो कर्म तुम, मत करो इन लकीरों पर भरोसा, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बेटा हमारी आज की टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा लेक्चर 10 में भी हमारी ये टॉपिक थी। लेक्चर 10 में केस ए आपने पढ़ा था, एस ए चार्ज, और नो डाउट बेटा आपने अगर मन से पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। लाइक दिस एज एन एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट भी आपको अच्छा समझ में आएगा। बट बेटा एक बात आप ध्यान रखना, एज ए चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन को मिक्स मत करिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं। अब बेटा पहले आप ये समझ लो कि कैसे आप क्वेश्चन को रिकग्नाइज करोगे कि वो एज एन एप्रोप्रिएशन है। लाइन ऐसे आपके क्वेश्चन में दी होगी, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा अगर ऐसी लाइन आपको मिले तो आप ये जान जाना कि ये कंटेंट आपका एज एन एप्रोप्रिएशन का है। या बेटा लाइन क्वेश्चन में कभी इस तरीके से आपको मिल सकती है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा एक बात ध्यान देना, यहां ये मत समझना कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। डीड साइलेंट नहीं है, डीड इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर रही है क्लियरली कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी वो एज ए चार्ज होगा कि एज एन एप्रोप्रिएशन होगा। तो बेटा आप एक बात कंफर्म कर लो, अगर आपके क्वेश्चन में क्लियरली एज ए चार्ज मेंशन नहीं है तो आप ऑलवेज ट्रीट करना एज एन एप्रोप्रिएशन। बेटा एक बात आप फिर से सुन लो, जब आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको ये ना क्लियर लिखा हो एज ए चार्ज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऑलवेज बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एज एन एप्रोप्रिएशन एज्यूम करके। अब बेटा एज एन एप्रोप्रिएशन होगा तो आप इस पॉइंट पर ध्यान देना, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये, एज एन एप्रोप्रिएशन के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ करेगी, लेकिन तब जब फर्म के पास होगी क्या प्रॉफिट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अगर फर्म में लॉस होगा तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेगी। बेटा एज एन एप्रोप्रिएशन में आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो थ्री टाइप्स के मिलते हैं। हम आपको एक एक पॉइंट विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पहले इस थ्योरी के साथ समझ लो, फिर अभी हम इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देते हैं, आप उस पर फिर से समझ लीजिएगा, तो उतने में बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मीन्स क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें पॉइंट वन दिया है, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट। बेटा इसमें टू पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन है, ये आप देख रहे हैं, कह रहा है इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट। कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट। अब बेटा आप इस पे समझो, सपोज प्रॉफिट जो है वो 20,000 की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका 20,000 का, मींस जितनी प्रॉफिट है उतना ही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एक तो ये बात होगी, दूसरा हम ये कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट प्रॉफिट की अमाउंट से कम है। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा समझना है आपको अच्छे से,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट 18,000 है जबकि प्रॉफिट की अमाउंट 20,000 है। बेटा फिर से आप समझ लो, दो चीजें हैं यहां पे। प्रॉफिट की अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट के इक्वल है, या एक सेकंड केस भी बनता है इसी में कि प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इट मींस फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इट मींस फर्म जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा पूरा पार्टनर्स को अलाउ करेगी। बेटा एज एन एप्रोप्रिएशन में ये जो सेकंड केस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। आप समझो टॉपिक अच्छा समझ में आएगा, इजी टॉपिक है बट थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा। बेटा देखा, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, कह रहा जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो इंटरेस्ट की अमाउंट से कम है। अब देखो हम इसीलिए एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं कि आपको अच्छा समझ में आए। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज ए का 20,000 बी का 10,000, इट मींस टोटल जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 30,000 है और जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो एज्यूम कर लिया गया कि 18,000 है। तो टॉपिक वही वाला कि प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की अमाउंट 30,000 और प्रॉफिट की अमाउंट 18,000। मतलब बेटा ये कि इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा है और प्रॉफिट की अमाउंट कम है। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे ट्रीट करेंगे देखो आप। यहां कह रहे इंटरेस्ट विल बी अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा आप आसान तरीके से सीख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन मत लाना। इंटरेस्ट की अमाउंट 30,000 है और प्रॉफिट की अमाउंट 18,000 है, मींस प्रॉफिट की अमाउंट कम है और इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा है। तो ऐसे में आप पहले कैलकुलेट कर लेना रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। यहां देखो मैंने कैलकुलेट भी आपके लिए किया, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का आप कैलकुलेट करोगे तो 20,000 10,000, बेटा ये 20,000 ये 10,000, रेशियो काउंट करने के लिए इक्वल इक्वल हम लोग कैंसिल कर दे तो ये 40 40 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा ये रेशियो बनेगा ना 2:1 का, और आपको पता है रेशियो प्लस में चेंज होता, तो 2+1 ये आपका इक्वल 3 हो जाएगा। मींस ये हुआ कि जो ये प्रॉफिट की अमाउंट है इस अमाउंट को आप डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में 2:1 में। तो बेटा यहां हमने डिवाइड किया है 18,000 इंटू 2/3, आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आपका 6,000 आएगा, तो 6 × 2 ये 12,000, और आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 6,000 आएगा, तो 6,000 × 1 ये आपका 6,000 हो जाएगा। मींस ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी फर्म, बट ए को 20,000 इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ए को 12,000 मिलेगा और बी को 10,000 नहीं मिलेगा, उसे केवल 6,000 मिलेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रॉफिट की अमाउंट 18,000 है जो कि कम है, और किससे कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। और एक बात कंफर्म आप जानते हो, ये जो टॉपिक चल रही है वो एज एन एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन कहता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट कभी भी प्रॉफिट की अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। बेटा एज एन एप्रोप्रिएशन के केस में थर्ड पॉइंट आता है इन केस ऑफ लॉस। सिंपल सा तरीका है, लॉस के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, मींस फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आपको कंफर्म बताया ये टॉपिक जो चल रही है वो एज एन एप्रोप्रिएशन की है। अब बेटा एक बात आप पहले समझ लो, एज एन एप्रोप्रिएशन में 3 सब पॉइंट्स थे, उसको हमने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। आपको कम भी समझ में आया होगा तो आप घबराना एकदम नहीं, आपको जब तक नहीं समझ में आएगा मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने को तैयार हूं, आप घबराइए एकदम नहीं। अभी इन तीनों पॉइंट्स पर हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर आप समझना, और फिर डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको अगेन एक्सप्लेन करेंगे। बेटा
क्वेश्चन दिया है, इसका केस फर्स्ट आप देखना। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बेटा आप सही से समझना, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इसमें यह तो नहीं कह रहा है एज ए चार्ज, तो एक बात आप कंफर्म कर लो, क्वेश्चन जब तक आपका एज अ चार्ज नहीं कहता तब तक वो एज एन एप्रोप्रिएशन होता है, पहली चीज आपको समझनी थी। दूसरी बात, एज एन एप्रोप्रिएशन के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, ये दो बात हो गई आपकी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर ले, क्वेश्चन आपका ये था एक्स की कैपिटल 50,000 है, वाई की कैपिटल 30,000 है, बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 50,000 इंटू 6/100 आप इसे 0,0 कैंसिल कर दो तो ये 3,000 होगा, और इसके 0 आप कैंसिल कर दो तो ये 1,800 होगा, टोटल आप इंटरेस्ट अगर काउंट करोगे तो ये आपका 4,800 आएगा। और इस क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है प्रॉफिट आपकी 9,000 है, बेटा बहुत क्लियर है प्रॉफिट 9,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 है, मींस फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। और ऐसे सिचुएशन में हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसमें शो किया जाएगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो अब आप देखो, बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट आपका दिया है 9,000, तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 9,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 3,000 वाई का 1,800, ये अमाउंट कैसे आई है अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, इन दोनों का आप सम करोगे तो ये 4,800 आएगा। बेटा बोथ साइड का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए, ये 9,000 है ये 4,800 है, आप जब 9,000 से 4,800 को माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 4,200 का और ये प्रॉफिट होगी, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल 4,200 4,200। और बेटा इस क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है ना वो 2:1 का दिया है, और आपको पता है ना कि जैसे ये रेशियो आपको दिया है 2:1 का, तो 2+1 करोगे ना तो ये आपका बाबू 3 आ जाएगा, तो 2+1=3, तो 4,200 इंटू 2/3 और 4,200 इंटू 1/3 तो 2,800 और 1,400 हुआ, इस तरीके से ये टोटल हो गया 4,200 का। तो ये इस क्वेश्चन का केस फर्स्ट का ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका है। बेटा केस सेकंड है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा लाइन दिया ना पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, एक बात आप कंफर्म कर लो एज ए चार्ज तो नहीं लिखा, तो अगर एज ए चार्ज नहीं दिया तो एज एन एप्रोप्रिएशन आप ट्रीट करोगे। क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट है 3,000 की, ठीक है पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 50,000 30,000, तो 50,000 कैपिटल है एक्स की, परसेंटेज है 6, तो 50,000 इंटू 6/100 आप 0 कैंसिल करोगे तो ये 3,000 आएगा, 30,000 इंटू 6/100 तो ये 1,800 आएगा, आप इसका सम करोगे तो ये आपका 4,800 आएगा। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात समझना, पहले भी हमने आपसे ये कहा था कि यही केस तो इंपॉर्टेंट है यार, इंटरेस्ट की अमाउंट 4,800 है, प्रॉफिट की अमाउंट 3,000 है, इंटरेस्ट की अमाउंट हायर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन बेटा केस तो एप्रोप्रिएशन का है और एप्रोप्रिएशन का केस यही कहता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट प्रॉफिट की अमाउंट से ज्यादा नहीं अलाउ की जा सकती, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800 है, तो 3,000 और 1,800 का आप रेशियो काउंट करोगे, बेटा इक्वल इक्वल 0 हमने कैंसिल कर दिए और हमने डायरेक्टली इसको 6 से डिवाइड कर दिया है, आपका मन आप जिससे भी करो, तो 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 5 प्लस 3 करेंगे तो ये इक्वल आपका 8 आ जाएगा,
अब बेटा जो ये 3000 रुपीज है, ये 3000 रुपीज अलाउ किया जाएगा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इस रेशियो में। तो 3000 × 5/8 और 3000 × 3/8 आप इसे कैंसिल करोगे तो आएगा 1875 और 1125। ये कैलकुलेशन हो गया। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को केवल आपको शो कर देना है और बाकी कोई काम इसमें अब नहीं करना है। बेटा 3000 रुपीज प्रॉफिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का एंड वाई ये 3000 हो गया और इक्वल आप कर दोगे ये 3000 इसका आपका टोटल हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको अभी पहले बताया है, उसी का केवल ला करके हमने यहां पे नोट कर दिया है। बेटा इस क्वेश्चन का थर्ड केस है, कह रहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो पहले आप ये कंफर्म करो क्वेश्चन पढ़ के बहुत इजी भी बेटा कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। तो क्वेश्चन में कहीं चार्ज तो नहीं कह रहा ना, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन का है। अब बेटा फिर उसके बाद देखो क्या दिया है, कह रहा है एंड द लॉसेस फॉर द ईयर ₹6000। बट बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आप समझना, क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन का है और क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिए हम, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है लॉस दिया है। और आपने अभी थ्योरी पढ़ी है कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड नहीं करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा। डेबिट में लिखा गया टू लॉस फॉर द ईयर ₹6000 और इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 6000 रुपीज को उनके रेशियो में, बेटा क्वेश्चन में रेशियो आपको दिया है ना, देखो 2:1 दिया है तो 2+1 करोगे आप तो 3 आ जाएगा, तो ये 2/3 और 1/3 तो 4000 और 2000, इट मींस ये टोटल अमाउंट आपकी हो गई 6000। अब बेटा एक बात आप समझना, देखो हमने आज आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब लिखते हैं जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट एज एन एप्रोप्रिएशन। एज एन एप्रोप्रिएशन में 3 केसेस होते हैं, हमने उन 3 की थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन की है और न्यूमेरिकल्स भी आपको एक्सप्लेन किए। बेटा एक बात आप फिर सुन लो, लेक्चर 10 में यानी कल की क्लास जो हमने आपको बताई थी वो टॉपिक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज था और आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन है। दोनों को आप मिक्स करके मत पढ़ना, दोनों को आप सेपरेट करके समझना। बेटा ये जो टॉपिक हमने आज पूरी आपको एक्सप्लेन की है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हो कहीं से भी मिल सकते हो, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसका आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि एज एन एप्रोप्रिएशन के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इनकेस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको इस टॉपिक को जहां पर भी आपको डाउट होगा हम आपके लिए फिर से रिपीट करेंगे। बेटा आज की हमारी क्लास सिर्फ इतनी है, कल इसके आगे की टॉपिक हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, बट इस उम्मीद के साथ हम ये क्लास आज की एंड कर रहे हैं कि आप इस कंटेंट को कंप्लीट कर लेंगे जब आप नेक्स्ट लेक्चर हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।